बचपन में बाउंड्री के पास बैठकर क्रिकेट मैच देखना, टीम के आने से पहले ही पिच साफ करना और गुम जाने वाली गेंद को ढूंढ कर लाना। आपने भी डेब्यू करने के लिए इतनी मेहनत तो जरूर की होगी, है ना? सच बोलो। और फिर आता है वो मौका जब पहली बार कप्तान आपको बॉलिंग या बल्लेबाजी का मौका देता है। तो बताइए, आपने इस मौके पर क्या कमाल दिखाया था? अपने पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया था या फिर पहली बॉल पर छक्का मारा था? क्योंकि भाई साहब, मैदान चाहे गली क्रिकेट का हो या इंटरनेशनल क्रिकेट का, इसमें आपका पहला कदम और पहला मैच ही डिसाइड करता है कि आप में दम है या नहीं। और पहले ओवर में पहला विकेट या पहली बॉल पर छक्का भी यादगार बन जाता है। बस यही हिम्मत क्रिकेट के मैदान में कई खिलाड़ी दिखा चुके हैं जनाब, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही ऐसी एंट्री मारी थी कि जैसे सिंगल्स दूसरों के रिलेशन में मारते हैं, है कि नहीं? तो आज की ये वीडियो नाम है ऐसे ही क्रिकेटर्स के, जिनका क्रिकेट डेब्यू किसी एक्शन हीरो की एंट्री से कम नहीं था। वैसे अगर आप भी क्रिकेट लवर हो और क्रिकेट से रिलेटेड जानकारी रखते हो ना, तो आपके पास भी है मौका अपना ओपिनियन देकर पैसे कमाने का। जी हाँ, प्रोबो ऐप से। प्रोबो एक ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जहां आप क्रिकेट, क्रिप्टो या फिर न्यूज से रिलेटेड पूछे गए क्वेश्चंस का सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर पैसे कमा सकते हो। मतलब यस और नो में दिया गया आपका सही ओपिनियन आपके काम आएगा भाई साहब। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ, प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो और एशिया कप के इस अगले मैच में इंडिया हांगकांग से जीत पाएगा या नहीं, यस और नो में अपना ओपिनियन दो और पैसे कमाओ। अपने कमाए हुए पैसों को आप गूगल पे, पेटीएम या बैंक के थ्रू बड़ी ही आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्रोबो ऐप डाउनलोड करने पर आपको मिलेगा ₹50 का बोनस। तो देर किस बात की, प्रोबो ऐप पर आओ और पैसे कमाओ जनाब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर एक, भाई वैसे एक अच्छा खिलाड़ी अपने डेब्यू मैच में ही अपनी खूबियां दिखा देता है, फिर वो क्रिकेट का चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो। जैसे 2008 में वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहे इस T20 मैच में हुआ था, जब वेस्टइंडीज की टीम 114 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गवा चुकी थी और फिर मैदान में आए थे पोलार्ड, जिनका वो डेब्यू मैच था। पोलार्ड विकेट पर आते हैं और अपने कैरियर की पहली ही गेंद को फेस करते हैं और पहली ही बॉल पर छक्का मारकर शुरुआत करते हैं जनाब। कौन जानता था कि ये बल्लेबाज फ्यूचर का सिक्स मास्टर बनने वाला है और एक ही ओवर में 6 छक्के भी मारने वाला है। नंबर दो, भाई एक बॉलर के लिए उसका डेब्यू मैच तो उस प्रपोज की तरह होता है जिसमें हाँ के चांसेस सिर्फ 20% होते हैं। अब ऐसे में या तो लाइफ सेट हो जाती है या फिर दिल ही टूट जाता है। लेकिन इस बॉलर के प्रपोज को तो उसकी किस्मत ने झट से हाँ बोल दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की। 2012 में भुवी जब पहली बार मैदान में उतरते हैं तो चेन्नई के मैदान में इनका किया गया वो पहला गेंद ही हफीज की किल्लियां उड़ा के रख देता है। और ऐसा ही डेब्यू उन्होंने T20 मैच में भी किया था और अपने T20 कैरियर की पहली ही गेंद पर नासर जमशेद का विकेट लिया था। लेकिन यही नहीं, रुको जरा अभी आगे तो देखो भाई साहब। 22 फरवरी 2013 को वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने मैदान में उतरते हैं और अपनी पहली ही गेंद पर डेविड वार्नर का विकेट लेते हैं। मतलब तीनों फॉर्मेट्स में अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने वाले बॉलर हैं सिर्फ भुवनेश्वर कुमार। नंबर तीन, भाई एक फास्ट बॉलर के लिए टीम में पक्की जगह बनाना इतना ही मुश्किल होता है ना कि इतना तो ससुराल में एडजस्ट होना भी मुश्किल नहीं होता, मगर इस पाकिस्तानी बॉलर की किस्मत ने इसे बड़ी ही आसानी से तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद आमिर की, जो 2009 के T20 वर्ल्ड कप में पहली बार इंग्लैंड की टीम का सामना करने मैदान में उतरते हैं और अपनी पहली ही गेंद पर रवि बुपारा का विकेट लेकर डेब्यू करते हैं। 2007 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू करने वाले सोहेल तनवीर भी अपनी पहली गेंद पर विकेट तो नहीं ले पाए थे, मगर हाँ, जो पहली बॉल उन्होंने फेस की थी ना, उस पर छक्का मारकर शुरुआत की थी। नंबर चार, दोस्तों दुनिया के सबसे तेज बॉलर शॉन टेट ने जब क्रिकेट के मैदान में कदम रखा था ना, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लिया था। इनकी स्पीड देखकर तो जैसे दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैरान रह गए थे। वो रेगुलर 145 से 155 के दरमियान बॉल फेंकते थे और इनको फेस करना भी बल्लेबाजों के लिए किसी डेयर से कम नहीं होता था। 2007 में ही अपने टेस्ट डेब्यू में भी जब वो इंग्लैंड के खिलाफ बॉलिंग करने आते हैं ना, तो अपने ओवर की दूसरी ही गेंद 150 की रफ्तार से यॉर्कर डालते हैं और विकेट को उड़ा के रख देते हैं जनाब। नंबर पांच, दोस्तों एक बॉलर के लिए अपने कैरियर की पहली ही बॉल पर विकेट लेना किसी लॉटरी लग जाने की तरह होता है। मतलब इसमें 60% तो उस बॉलर की किस्मत का ही हाथ होता है और ऐसा मौका किस्मत कई सारे बॉलर्स को भी दे चुकी है। जैसे 2006 में अपना T20 डेब्यू करने वाले इस इंडियन बॉलर अजीत अगरकर का ये पहला गेंद तो देखिए, जिसे अफ्रीकी बल्लेबाज एक जबरदस्त शॉट खेलते हैं, मगर बॉल सीधा फील्डर के हाथों में जाती है और अजीत अपनी पहली ही गेंद पर विकेट लेने में कामयाब हो जाते हैं। वैसे कीवी बॉलर लोकी फर्गोसन ने भी बांग्लादेश के खिलाफ
अपने T20 डेब्यू की पहली ही गेंद पर साबिर रहमान को आउट किया था। 2015 में पाकिस्तानी बॉलर आमर यामीन ने भी अपने T20 डेब्यू में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली ही गेंद पर जेसन रॉय का विकेट लिया था। और विराट कोहली ने भी तो अपने कैरियर की पहली गेंद पर पीटरसन का विकेट लिया था। इंजमामुल हक ने भी वेस्टइंडीज के खिलाफ जब अपना पहला गेंद फेंका था ना, तो सामने खड़े बल्लेबाज ब्रायन लारा को आउट कर दिया था। अब इसे तो किस्मत का खेल ही कहेंगे ना। बात तो सही है, दौड़ना तो पड़ता है। नंबर 6, भाई कहते हैं कि किस्मत हर किसी को हीरो बनने का एक मौका तो जरूर देती है, फिर चाहे वो इस सूरत में हो जैसे इस क्रिकेट स्टेडियम में काम करने वाले ग्राउंड बॉय को मिला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेथन लेन की। इन्हें भी किस्मत एक मौका देती है और वो श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, कुमार संगकारा जैसे बल्लेबाज का विकेट लेते हैं। वैसे श्रीलंकन स्पिन बॉलर महेश ठीक शाना ने भी अपने डेब्यू की पहली ही गेंद पर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज जानेमन मलान को आउट किया था और अपने डेब्यू मैच में ही 16 रन देकर 4 विकेट्स लिए थे। और इंडिया के खिलाफ एशिया कप में पाकिस्तानी बॉलर नसीम शाह भी उन बॉलर्स की लिस्ट में शामिल है जो डेब्यू मैच में ही अपने झंडे गाड़ चुके हैं। जनाब नसीम शाह ने भी अपने डेब्यू मैच के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल का विकेट लिया था। नंबर 7, दोस्तों एक धाकड़ और ब्रेव बल्लेबाज क्रिकेट के मैदान में अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा देता है ना कि देखने वाले उसके फैन हो जाते हैं, फिर सामने चाहे कितना ही खतरनाक बॉलर क्यों ना हो, जैसे इस इंडियन बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव ने अपने डेब्यू मैच में किया था जब वो जोफ्रा आर्चर जैसे बॉलर के सामने अपनी पहली बॉल खेलते हैं और पहली ही गेंद पर एक जबरदस्त छक्का मारकर शुरुआत करते हैं। वैसे इंडियन बल्लेबाज ऋषभ पंत ने भी अपने टेस्ट डेब्यू की दूसरी ही गेंद पर छक्का लगाया था। और पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली ने भी इंग्लैंड के खिलाफ अपने T20 डेब्यू की दूसरी ही गेंद को छक्के की सूरत में बाउंड्री से बाहर फेंक दिया था। वैसे अगर आप भी अपने डेब्यू मैच में कोई ऐसा कारनामा दिखा चुके हो तो कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करना है। नहीं नहीं दिखाऊंगा।